अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो बोर्ड की तरफ से आंसर शीट मिलती है उसका फ्रंट पेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। और इसमें जो बच्चे पहली दफा बोर्ड का एग्जाम देते हैं उनको फ्रंट शीट इसकी फिल करते हुए जो प्रॉब्लम्स आती हैं मैंने उसके ऊपर ये वीडियो बनाई है, ताकि आप इसको फॉलो करते हुए जब बोर्ड के एग्जाम में बैठे तो आपको ये फ्रंट शीट जो है इसको फिल करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लिए जो हम पेन इस्तेमाल करते हैं वो या तो ब्लू या ब्लैक जो है ना वो हम फिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे। तो इसमें ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये वाला कि अगर आपका पेपर जो है वो मॉर्निंग में है या कि इवनिंग में है। तो अगर तो आप सुबह के टाइम पे पेपर दे रहे हैं तो मॉर्निंग के सामने ये जो बबल है इसको बड़ा केयरफुली, ठीक है जी, आप इसको जो है ना फिल कर लेंगे। और इसमें ये बड़े ध्यान रखना चाहिए कि पेन जो है इसको जब हम इस्तेमाल कर रहे हों इस सर्कल को फिल करने के लिए तो इंक इससे बाहर नहीं आनी चाहिए। इसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ है ये डे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल आज अगर डेट 3 है 3, तो हम सीधा 3 नहीं लिखेंगे बल्कि 3 के साथ पहले 0 और उसके साथ ये 3 लिख देते हैं, तो ये डेट 3 हो गई। उसके बाद मंथ है, अगर मार्च का मंथ है या अप्रैल का, तो अप्रैल के मंथ के लिए जो 4 है उसको ये 0 और ये 4, और उसके बाद ये ईयर के लिए 4 जो है ना ब्लॉक्स होते हैं, इसमें मैं लिखता हूं 2021। ये हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम चलते हैं नीचे। इसमें आपको जो एमसीक्यू शीट प्रोवाइड की जाती है गुजरांवाला बोर्ड की तरफ से, उस एमसीक्यू शीट के ऊपर एक कोड लिखा होता है। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखने लगूं, आपको जो एमसीक्यू शीट दी गई है उसका कोड है जी 3132। तो आपने इसको फिल करते हुए ये पेपर कोड जो है वो इसको 3132 ये सबसे पहले तो इधर फिल करेंगे, उसके बाद ये 0 1 2 3, आपका ऊपर 3 लिखा हुआ है तो 3 वाला सर्कल जो है ना ये आपने फिल कर देने बहुत एहतियात के साथ। फिर ये 1 है तो ये यहाँ पर आप 1 वाले सर्कल को फिल कर देते हैं इस तरीके से। फिर ये 3 है, ये 3 को, और उसके बाद 0 1 2 और ये 2 है, तो 3132 अगर आपने ऊपर नंबर लिखा है तो उसके मुताबिक ये सर्कल्स जो है ना ये आपने इस तरीके से ये फिल करते हैं। अब आपका 6 डिजिट रोल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये रोल नंबर जो है वो फॉर एग्जाम्पल 12 1 9 3 0 है, तो अगर ये रोल नंबर इस साइड पे मैंने मेंशन किया है तो अगर मैं इसको फिल करना चाहता हूं तो मैं रोल नंबर लिखूंगा 12 19 और 3 0, और उसके बाद हमें मस्ट इसके ऊपर कलर करना होता है ये 1,
इस सर्कल के अंदर ये कंप्लीट कर दिया, फिर ये टू, फिर ये वन, नाइन, फिर उसके बाद ये थ्री और ये जीरो। ये कलर करते हुए बहुत ही ध्यान से सर्कल के अंदर आपने कलर करने की कोशिश करें कि पॉइंटर जो है ना वो इस्तेमाल करें आप। अब इसमें डेट जो है इसको एक दफा इधर भी लिख देते हैं, जैसे डेट थी 3 अप्रैल, तो इसमें डेट आप इधर लिख सकते हैं जी अप्रैल 3, और 2021 ये डेट आप लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप इस मैट्रिक वाले को फिल कर लेंगे, ये मैट्रिक का फिल हो गया जी सिलसिला। अगर आप मैट्रिक 9th में है तो ये पार्ट 1 को, और अगर 10 में है 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो पार्ट 2 को कर लें। सिमिलरली अगर इंटर का आप क्लास को आपने ऊपर सर्कल की है तो फर्स्ट ईयर की वजह से पार्ट 1, और ये सेकंड जो है ना ये सेकंड ईयर के लिए। तो फर्ज करें एक स्टूडेंट जो मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट है और वो 9th क्लास का स्टूडेंट है, तो वो पार्ट 1 को जो है ना वो इस तरीके से ये सर्कल कर लेता है। ये करने के बाद अब होता ये है कि स्टूडेंट्स, अब इसमें ये होता है कि स्टूडेंट जो पहली दफा पीयर हो रहे होते हैं वो आमतौर पे एनुअल में ही एमपीयर हो रहे होते हैं, और अगर उनके किसी एग्जाम में किसी सब्जेक्ट में फेल हों तो फिर वो सप्लीक एग्जाम भी दे रहे होते हैं। तो अगर आप एनुअल में फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं तो आप एनुअल एग्जाम लिखेंगे, उसको हम जो है ना ये यहाँ पर इसको सर्कल कर देते हैं। अब मॉर्निंग और इवनिंग डे स्टूडेंट्स दो ग्रुप्स होते हैं। अगर आप सुबह के टाइम पे पेपर देने जा रहे हैं तो आप मॉर्निंग वाले को, और अगर आप पिछले टाइम आप जो है ना जा रहे हैं 2 बजे जो अमूमन पेपर होता है तो वे इवनिंग। फर्ज करें मेरा पेपर पिछले टाइम 2 बजे के करीब है तो मैं यहाँ पर इवनिंग वाले को फिल कर देता हूँ, ये इस तरीके से मैंने फिल कर दिया। अब फिजिक्स का लेट सपोज पेपर है तो मैं यहाँ इसके सामने आराम से इसको मैं फिल कर देता हूँ जी, सब्जेक्ट जो है ना फिजिक्स है। उसके बाद डी स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी, ये नेम जो है ना ठीक है जी, हमें कोशिश करनी चाहिए कि नेम जो होते हैं वो कैपिटल लेटर्स के अंदर होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो नाम है वो है जी तकी अहमद, तो इसके लिए मैं इसका ये नेम जो है कैपिटल लेटर्स के अंदर ये तकी अहमद अहमद लिख दिया। फादर नेम सलीम अहमद, S A L double E, ये फादर नेम है, ये मैंने लिख दिया सलीम अहमद। अब यहां पर लिखना होता है जी रोल नंबर इन वर्ड्स। अभी जो रोल नंबर मैंने ऊपर लिखा है जरा उसको देख लेते हैं कि रोल नंबर जो है वो किया था 12, ये रोल नंबर जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये है 121,930। अब हमें इसको फिल करना है तो हम इसके लिए वर्ड्स के अंदर लिखेंगे
1 लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड थर्टी वन थर्टी आई आर टी 930। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे उस स्टूडेंट ने अपने सिग्नेचर्स करने होते हैं, चाहे वो उर्दू में करे या इंग्लिश में करे। तो उसमें वो फॉर एग्जांपल ये अपना नाम जस्ट आप लोग जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि इस एज में आपके सिग्नेचर तो कन्फर्म नहीं होते। जस्ट अपना नाम लिखें, जैसे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है और दैट इज तकी अहमद। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो तरीका है कि जिसके तहत हम फ्रंट शीट ऑफ द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट इन बोर्ड एग्जाम जो है वो फिल करते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो से आप बेनिफिट ले सकें। अल्लाह हाफिज़।